2017 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन से बाहर हुए थे तो कई तरह की चर्चाएं हुई थी और नीतीश कुमार ने खुद को सेफ करते हुए स्पष्ट तरीके से कहा था कि वो भ्रष्टाचार के साथ नहीं रह सकते हैं। इस बार मामला बदल गया है। इस बार भ्रष्टाचार को लेकर के नीतीश कुमार अपने नहीं बल्कि इस्तीफे की शुरुआत कर चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल में एक बार फिर से खलबली मची हुई है कि आखिर ये मामला कहाँ तक जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार बदलने के बाद महागठबंधन में एक बार फिर से नीतीश कुमार की एंट्री हुई और इस एंट्री के बाद सबसे ज़्यादा अगर संकट में कोई है तो वो है राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल पर लगातार तोहमत लग रहे हैं और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से एक एक कर मंत्रियों का इस्तीफा शुरू हो चुका है। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार जो सोचते हैं वो शायद वो बताते नहीं हैं। नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी रणनीति बहुत तेज़ी से बदलती है और बहुत लंबे समय तक नीतीश कुमार किसी के साथ जिस तरीके से आते हैं उस तरीके से नहीं रह पाते, क्योंकि नीतीश कुमार के टीम में अक्सर ये बात धर कर जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगला उनके साथ छल कर दे, धोखा कर दे। ऐसी बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में सब कुछ ठीक होने के दावे के साथ इस्तीफे भी शुरू हो गए। इस बात को लेकर के जहां कार्तिक मास्टर का इस्तीफा हुआ, उसके बाद सुधाकर सिंह को भी इस्तीफा देना पड़ा और इसके पीछे की कहानी आप जानते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ इनसाइड स्टोरी भी है। नीतीश कुमार इस बार जब दिल्ली गए थे तो आपको पता है कि उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी में अभी उन्हें बहुत पापड़ बेलने हैं और लालू प्रसाद के चाहने से वो नहीं बन पाएंगे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए सुरक्षित कुर्सी बिहार की होगी। और यही कारण है कि उनके दिल्ली जाते ही जैसे ही ये सारा मामला सामने आया वैसे ही उनकी टीम ने शुरू कर दिया ये कहना कि नीतीश कुमार 2024 तक तो सीएम हैं ही, 2025 में भी सीएम का फेस वही होंगे। अब इस बात को लेकर के जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल में खलबली मच गई, वहीं लालू प्रसाद और जगदानंद सिंह ने दिल्ली में इस बात को एक बार फिर से ठोक बजा लेना चाहा कि क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को कुर्सी देंगे या नहीं देंगे। इसी को लेकर के एक बयान आया और इस बयान में जगदानंद सिंह ने कहा कि 2023 के प्रारंभ में ही नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सीएम बना देंगे। लेकिन मामला और बिगड़ गया लगातार जगदानंद सिंह को लेकर के। जब जदयू से बयान आने लगे तो मामला और उलझ गया। तेजस्वी यादव को लगा कि उन्होंने जो सब कुछ त्याग करके सत्ता प्राप्त किया था उसमें फिर से एक बार गड़बड़ी पैदा हो जाएगी और नीतीश कुमार के साथ संबंध खराब होने से सत्ता जा सकती है। इन सारी बातों को लेकर के सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद तेजस्वी यादव खुद नीतीश कुमार से मिलने गए थे, लेकिन इस मुलाकात में बात नहीं बनी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इसके बाद भी जदयू के तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं और एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल ने ये घोषणा कर दिया और जो जगदानंद सिंह ये बात बोले थे कि 2023 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार उन्हें कुर्सी सौंप देंगे, वही जगदानंद सिंह एक फरमान निकालते हैं जो कि खबरों में पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी महागठबंधन के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के किसी भी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, चाहे कोई हो, सिर्फ उसके लिए तेजस्वी यादव ही अधिकृत हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जगदानंद सिंह जैसा अनुशासित व्यक्ति अगर इस तरह का फरमान जारी करता है तो उस पर क्या बीती होगी। इन सारी बातों को लेकर के अभी भी जदयू और तेजस्वी यादव के बीच में, खास करके अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के बीच में कहा जाए, तो मीटिंग हुई, उस मीटिंग से भी ये निष्कर्ष नहीं निकला कि आगे क्या रणनीति रहेगी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और भी विकेट गिराने के लिए भीतर ही भीतर प्लानिंग बना रहे हैं। आपको हमने शुरू में बताया था कि मंत्रिमंडल के गठन में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में जो लिस्ट बनी थी उस पर मुहर नहीं लगी और लालू प्रसाद ने अपने हिसाब से मंत्रिमंडल में अपने करीबियों, अपने सहयोगियों को, अपने पार्टी के जो नेता हैं उन्हें जगह दिलवाया था।
कई ऐसे नेता हैं जिन जो नीतीश कुमार के सामने पूरी मजबूती के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और तेजस्वी यादव को प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसी ही स्थिति में आप समझ लीजिए कि जदयू के भीतर भी जोड़ घटाव शुरू हो चुका है और इस जोड़ घटाव में बात आगे बढ़ गई है जिसको लेकर के तेजस्वी यादव उसको पाटने का उसे संभालने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये बात और आगे बढ़ गई है और ऐसी स्थिति में क्या होगा आप बेहतर तरीके से जानते हैं। अगली खबर में हम आपसे तुरंत बताते हैं कि नीतीश कुमार का अगला प्लान क्या है और नीतीश कुमार की जो चौकड़ी है उसने किस तरह की रणनीति शुरू कर दी है, क्या हुआ है और क्या कुछ होने वाला है, इसकी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। सुबह सवेरे में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। नवरात्र की आपको बहुत सारी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386